देश भर में कोरोना मरीजों का आंकड़ा पहुंचा 33,000 के पार। अब तक 174 लोगों ने गंवाई जान। कोरोना तेजी से बरपा रहा है अपना कहर। महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा दिख रहा कोरोना वायरस का कहर। अब तक कुल 9,915 केस आ चुके हैं सामने। 432 लोगों की गई जान। अकेले मुंबई में कोरोना वायरस के 6,644 केस, 270 लोगों की हो चुकी है मौत। कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों को लेकर हरियाणा हुआ सतर्क। सूबे में आज से शुरू होगा कोरोना रैपिड टेस्ट। कोरियन किट को केंद्र सरकार ने जांच की दी इजाजत। कोरोना वायरस को लेकर कांग्रेस पार्टी आज से एक नई मुहिम करेगी शुरू। राहुल गांधी महामारी पर दुनिया भर के प्रमुख विचारकों के साथ करेंगे बातचीत। आज रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर डॉक्टर रघुराम राजन के साथ होगी शुरुआत। कोरोना महामारी को लेकर कर्नाटक कांग्रेस भी हुई अलर्ट। कोरोना संकट पर आज कांग्रेस नेता सिद्धरमैया की अगुवाई में होगी विपक्ष की बैठक। सूबे के हालात और सरकार के काम पर हो सकती है चर्चा। दूसरे राज्यों में फंसे लोगों की वापसी वाली केंद्र की गाइडलाइन पर राजस्थान के मुख्यमंत्री का बड़ा बयान। कहा ट्रेन को मंजूरी दे सरकार, उसके बिना संभव नहीं है लोगों की वापसी। मध्य प्रदेश में आज से खुलेंगे सरकारी ऑफिस। सिर्फ 30% कर्मचारी ही करेंगे काम। शिवराज सरकार ने सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखने का दिया आदेश। संयुक्त राष्ट्र में भारत के नए स्थायी प्रतिनिधि बने TS त्रिमूर्ति। 30 अप्रैल को रिटायर हो रहे अकबरुद्दीन की लेंगे जगह। अकबरुद्दीन UN मुख्यालय में 4 साल से ज्यादा तक भारतीय मिशन की कर चुके हैं अगुवाई। मशहूर अभिनेता ऋषि कपूर का 67 साल की उम्र में हुआ निधन। कल मुंबई के NH रिलायंस हॉस्पिटल में किया गया था भर्ती। अमिताभ बच्चन ने ट्वीट कर जताया दुख। कहा टूट चुका हूं मैं। आंधी और बारिश से कई राज्यों में तबाही। गुजरात में 2 लोगों की गई जान। मध्य प्रदेश में भारी नुकसान। अगले 24 घंटे में कई राज्यों के लिए चेतावनी। तूफान बारिश और ओलावृष्टि की संभावना। दुनिया भर में कोरोना वायरस से अब तक 2,27,600 से ज्यादा लोगों की हुई मौत। 32 लाख के पार पहुंची संक्रमितों की संख्या। लगातार बढ़ता जा रहा है महामारी से संक्रमितों का आंकड़ा। अमेरिका में कोरोना वायरस के कुल 10,38,451 केस आए सामने। 60,876 लोगों की हो चुकी है मौत। अमेरिका में पिछले 24 घंटे में 2,502 लोगों की हुई कोरोना से मौत। स्पेन में कोरोना से अब तक 24,000 से ज्यादा लोगों ने गंवाई जान। वहीं ब्रिटेन में कोरोना वायरस से मरने वालों की संख्या 26,000 के पार पहुंची। दक्षिण अफ्रीका में लॉकडाउन में ढील से पहले एक दिन में आए संक्रमण के सबसे ज्यादा मामले। संक्रमण के 354 नए मामले सामने आने के साथ आंकड़ा पहुंचा 5,350 मामलों के पार। नेपाल में भी अब तेजी से पकड़ रहा है कोरोना वायरस। अब तक 57 मामले आए सामने। दिल्ली के तबलीगी जमात कार्यक्रम में शामिल होकर लौटे 3 लोग भी कोरोना पॉजिटिव। लोगों के रोजगार पर पड़ेगा कोरोना का बुरा असर। दुनिया भर में जून तक खत्म हो सकती है 30 करोड़ से ज्यादा लोगों की नौकरियां। संयुक्त राष्ट्र की श्रम इकाई अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संगठन ने जताई चिंता। लॉकडाउन के बीच IT कंपनी TCS का बड़ा फैसला। 2025 तक 75% कर्मचारी करेंगे घर से काम। लॉकडाउन से पहले करीब 20% TCS कर्मचारी करते थे वर्क फ्रॉम होम। रेस्टोरेंट सेक्टर से आई बुरी खबर। रेस्टोरेंट चेन्स ने स्टाफ की अप्रैल की 40% तक की सैलरी रोकी। मैकडोनाल्ड साउथ एंड वेस्ट, बारबेक्यू नेशन जैसी बड़ी रेस्टोरेंट चेन ने अप्रैल महीने की सैलरी रोकी। लॉकडाउन के चलते नहीं हुई कोई इनकम। अमेजन ने भारत में शुरू की नई सुविधा, अमेजन पे लेटर सेवा की शुरुआत। कहा सामान मंगवाएं और बिना अतिरिक्त शुल्क के अगले महीने करें भुगतान। हफ्ते के आज ही के दिन 1563 में चार्ल्स षष्ठम के आदेश पर यहूदियों को फ्रांस से निकाला गया। 1598 में आज ही के दिन अमेरिका में पहली बार थिएटर का आयोजन हुआ। आज ही के दिन 1789 में जॉर्ज वाशिंगटन प्रथम सर्वसम्मति से अमेरिका के पहले राष्ट्रपति चुने गए। इसी पद पर रहकर जॉर्ज वाशिंगटन ने 2 कार्यकाल पूरे किए थे। वर्ष 1798 में उन्होंने सेना के कमांडर इन चीफ का पद संभाला था। आज ही के दिन 1863 में ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकार वाली भारतीय नौसेना की कमान ब्रिटिश एडमिरल को सौंपी गई। 1870 में आज ही के दिन भारतीय सिनेमा के पितामह धुंधी राज गोविंद फाल्के उर्फ दादा साहब फाल्के का जन्म हुआ। जब सिनेमा में इस्तेमाल होने वाली तकनीकों और मशीनों के लिए हम विदेश पर निर्भर थे, उस समय दादा साहब ने भारत की पहली मूक फिल्म राजा हरिश्चंद्र बनाई थी। फिल्मों में विशिष्ट योगदान के लिए इनके नाम पर ही दादा साहब फाल्के पुरस्कार दिया जाता है।
आज ही के दिन 1945 में जर्मन तानाशाह एडोल्फ हिटलर एवं उसकी पत्नी ईवा ब्राउन ने आत्महत्या की। 1991 में आज ही के दिन बांग्लादेश में भीषण चक्रवात में 1.25 लाख से अधिक लोगों की मौत और 90 लाख लोग बेघर हुए। आज ही के दिन 2007 में नेत्रहीन पायलट माइल्स हिल्टन ने विमान से आधी दुनिया का चक्कर लगाकर रिकॉर्ड बनाया। आज ही के दिन 2008 में चालक रहित विमान लक्ष्य का ओडिशा के बालासोर जिले के चांदीपुर समुद्र तट से सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया। 2010 में आज ही के दिन बेल्जियम में संसद के निचले सदन ने सार्वजनिक स्थानों पर बुरके पर पाबंदी लगाने संबंधी विधेयक को मंजूरी दी। आज ही के दिन 2013 में नीदरलैंड की महारानी बिट्रिक्स ने पद छोड़ा और विलियम अलेक्जेंडर राजा बने।